हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ प्लस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी बीमारी में किस प्रकार का मेडिसिन खानी है, उसके यूज क्या है, इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपको कौन सी बीमारी में किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कराना है, जिससे कि आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चल सकता है कि आपकी बीमारी जो है वो कौन से ग्रेड तक आ चुकी है। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है मेरा, वो आप लोग के द्वारा ही दिया गया टॉपिक है। मेरे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कमेंट किया है कि आपको पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए यही वीडियो लेके आया हूँ। यही मेरा टॉपिक है, पाइल्स का ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जो सामान्य तौर पे जो पाइल्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, उसके अंदर एंटीबायोटिक होती है, पेन किलर होती है, और आपकी स्वेलिंग कम करने की दवा होती है, जो ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग रोकने की दवा होती है, स्टूल को सॉफ्ट करने की दवा होती है, एंटी एलर्जिक दवा होती है, और कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं उसका आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो मैं आज इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स जब आपके शरीर के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जब कब्ज रहता है, आप अच्छी तरीके से स्टूल पास नहीं कर सकते हैं। कब्ज होने के कारण आपका जो स्टूल होता है वो टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो आपके गुदा रीजन से होते हुए जब पास करता है तो उसमें कट लग जाता है। ये जो कट होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी को पाइल्स कहते हैं, फिसर कहते हैं, और बवासीर के नाम से जानते हैं। तो ये जो बवासीर होता है, पाइल्स होता है, उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है पाइल्स के ट्रीटमेंट के अंदर, जो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है वो ओफ्लॉक्सासिन और निराजोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कभी कभी लियोफ्लॉक्सासिन और निराजोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा अगर घाव हो जाता है, कट लग जाता है, तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्विनेट नामक मेडिसिन होती है, मॉलिक्यूल्स होता है वो 625 mg में आती है, उसको आपको दिया जाता है। इसको आपको सुबह शाम खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। अगली जो मेडिसिन होती है वो पेन किलर होती है। पेन किलर के अंदर कई सारे कॉम्बिनेशन में मेडिसिन आती हैं, जैसे कि एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल तथा निमोसलाइड और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन आता है। तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होता है, आपके शरीर में गैस बहुत ही कम मात्रा में बनती है। अगली जो मेडिसिन है वो स्वेलिंग कम करने की आती है, इसके अंदर सेरोसिपेप्टिडेज नामक मेडिसिन होती है, उसको देते हैं, उसको भी आपको सुबह शाम खानी है। उसको खाने से क्या होता है कि आपके जो गुदा रीजन में जो स्वेलिंग हो जाती है स्टूल पास करते समय, वो आसानी से कम हो जाती है। अगली मेडिसिन होती है वो ब्लड रोकने के लिए होती है, जो आपके शरीर के अंदर जो ब्लीडिंग होती है स्टूल पास करते समय, उसको रोकने के लिए जो मेडिसिन होती है उसका नाम है ट्रेनेसेमिक एसिड होती है, वो 500 mg के अंदर आती है। इसको भी आपको सुबह शाम खाना होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इसको 3 टाइम तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब आपको कर सकता है। फिर कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जिसके अंदर कैल्शियम डोबिसलेट होता है, जिंक होता है, लिडोकोन होता है, इसको आपको मार्केट में ये स्मूथ नाम से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, इसको आप ले सकते हैं। इसका यूज आपको स्टूल पास करते समय जब आप शौचालय में जाते हैं तो 5 मिनट पहले इसको अपने गुदा रीजन में इसको अप्लाई कर लीजिए। इसको अप्लाई करने से क्या होता है कि जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो आपको पेन कम होता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, और घाव जल्दी भरने की इसमें लाभदायक होता है। अगली जो मेडिसिन है, कभी कभी क्या गुदा रीजन में बहुत ही तेज खुजली होने लगती है, तो इसलिए आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है। इसके अंदर आपको लिवोसिट्रिजिन होता है, इसको आपको रात में एक गोली खानी होती है, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो आपके गुदा रीजन में खुजली होती है वो कम हो जाती है। अगली मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो होती है स्टूल सॉफ्टनर होती है, ये लैक्सेटिव नाम से भी आती है। इसके अंदर आपको लैक्टुलोज नाम की सिरप आता है, और क्रीमाफिन नामक जो ब्रांड नेम है क्रीमाफिन नामक भी सिरप आता है, इसको आपको रात में खाना खाने के बाद आपको इसको लेना होता है। इससे क्या होता है कि जब अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जब स्टूल पास करते हैं तो स्टूल आपकी सॉफ्ट हो जाती है, तो गुदा रीजन में कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता, कोई भी स्ट्रेस नहीं आता, जिससे कि स्टूल आसानी से पास हो जाता है और कोई भी कट और कोई भी ब्लीडिंग आपको नहीं होती है। तो दोस्तों, इन सब टाइप की जो मेडिसिन है वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, इसको आपको 5 दिन तक खाने के लिए देता है। अगर 5 दिन के बाद भी अगर आराम नहीं होता है तो इसको आप 7 दिन फिर 14 दिन तक आप इसको खा सकते हैं, इसको लेकिन डॉक्टर की सलाह पे। और जब अगर ये 14 दिन खाने के बाद भी अगर आपका पाइल्स जो है वो ठीक नहीं होता है तो आपको किसी अच्छे सर्जन से दिखाना होता है, क्योंकि आपका सर्जन ही आपको बता सकता है कि आपका जो पाइल्स है, आपका जो कट, जो फीसर है, वो उसका लेवल कहाँ तक आ गया है, आपको ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवाना है कि नहीं।
इसके बारे में सर्जन ही आपको अच्छी तरीके से सलाह दे सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने टॉपिक बताया है जो पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में, आमतौर पर यही सब मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से मेडिसिन समझा के भेजता है लेकिन घर आके आप भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इस वीडियो को आप देख के आप मेडिसिन की जो डोज है उसको आसानी से आप कैलकुलेट करके आप उसे डोज के हिसाब से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पाइल्स के बारे में एक वीडियो बना है, उसको मैंने आई बटन पर लगा दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ है उसको कैसे ठीक किया जाता है, वो कब्ज़ होता क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आई बटन पर लगा दिया है, आप वहाँ से भी जाके कब्ज़ के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। कब्ज़ के बारे में अगर आप आसानी समझ गए तो आपको पाइल्स की शिकायत होने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए।